और दोस्तों स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्यूज पे। हम जनवरी 2023 का थर्ड पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम लास्ट सीरीज पे और बढ़ रहे हैं। ये हमारा जनवरी का लास्ट सीरीज होगा। चलिए अब क्वेश्चन की ओर। 71 नंबर क्वेश्चन, किस भारतीय गीत ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता है? तो आप लोग खुद इसका फेमस क्वेश्चन तो आप लोग जानते ही होंगे, कौन सा आंसर होगा इसका? नाटू नाटू, किस फिल्म के लिए? आर 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 के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, 72 नंबर, किस कंपनी ने सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 750 लड़कियों द्वारा बनाए गए अपने उपग्रह आजादी सेट को लॉन्च करने की घोषणा की है? स्पेस किड्स इंडिया, ये भी एक तरह से कहिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्पेस किड इंडिया वाला। अगला क्वेश्चन, कैप्टन सुरभि जखमोला किस देश में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला खिलाड़ी सेना अधिकारी बन गई है? तो कहाँ के बन गई है? भूटान की बन गई है। अगला क्वेश्चन, मेटावर्स की दुनिया में प्रवेश करने वाला राष्ट्रीय खेल महासंघ कौन बना है? तो हॉकी इंडिया। मेटावर्स की दुनिया में प्रवेश करने वाला पहला राष्ट्रीय खेल महासंघ कौन बन गया है? हॉकी इंडिया बन गया है। अगला क्वेश्चन, कुमार कोम और बेपोरा को स्वदेश दर्शन 2.0 के लिए किसे चुना गया है? ये किस राज्य में है? तो कहाँ है कुमार बोपन? ये सब 2.0 कहने का मतलब, एक योजना चलाया गया है कौन सा राज्य सरकार द्वारा? केरल द्वारा। उसका नाम क्या है? कुमार कोम और बेपोरा को स्वदेश दर्शन 2.0 किस राज्य में? तो केरल राज्य में। किस राज्य में? केरल राज्य में। अगला क्वेश्चन, ए शांति कुमारी को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किस राज्य की? तेलंगाना। अगला क्वेश्चन, ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्ट केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया है? तो कहाँ किया गया है? शिलोंग में। अगला क्वेश्चन, कौन से शहर G20 के हिस्से के रूप में बिजनेस B20 की बैठक करेगा? तो कौन सा है इसका आंसर होगा? गांधीनगर। VVI क्वेश्चन है, G20 के तर्ज पर B20 का बैठक कहाँ किया जाएगा? गांधीनगर में। अगला क्वेश्चन, 79 नंबर, 2023 में भारतीय गणतंत्र परेड में किस देश की सैन्य टुकड़ी ने भाग लिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन VVI, तो किस देश की? मिस्र के। आगे, हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य को किस वर्ष के अंत तक पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाया जाएगा? कब तक? 2025 से। इसके पिछला बार भी फाइल रेस या बीमारी करके आया था, जो कब तक उन्होंने करेगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसमें नया क्वेश्चन कौन भी आया कि हरित ऊर्जा राज्य हिमाचल प्रदेश को कब तक बनाया जाएगा? 2025 तक। भारत का पहला लॉजिस्टिक जलमार्ग एवं संचार स्कूल किस राज्य में शुरू होगा? त्रिपुरा में। अगला क्वेश्चन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो नवजोत साहनी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन? ऋषि सुनक। उनके द्वारा पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? नवजोत साहनी को। अगला क्वेश्चन, 83 नंबर, 100 दिन प्लास्टिक को मात देने के लिए अभियान किस नगर निगम द्वारा? तो दिल्ली नगर निगम द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारत के सबसे गहरा भूमिगत मेट्रो ट्रेन पुणे। भारत का सबसे गहरा भूमिगत मेट्रो ट्रेन पुणे। अगला क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन में आता है, इसके पिछले बार आई भी लगभग, इसमें जितना भी 100 क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन सब लगभग क्या VVI ही है। अगर कम समय में आपको अगर क्यूब रिविजन करना है तो इसको देख लीजिए, काफ़ी है। आगे, पूर्वी भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किनके बीच चली? हावड़ा और न्यू जलपाईगुड़ी से। अगला क्वेश्चन, भारत का ई वाला क्वेश्चन 84 नंबर क्वेश्चन छूट गया था, भारत के सबसे गहरा भूमिगत मेट्रो स्टेशन कहाँ बना? पुणे में। भारत का सबसे गहरा भूमिगत मेट्रो कहाँ बना? पुणे में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के संविधान उद्यान पार्क मतलब संविधान पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया था? जयपुर राजभवन जयपुर। कौन सा क्वेश्चन था? संविधान पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? जयपुर राजस्थान। किस देश ने वॉइस ऑफ ग्लोब ऑफ साउथ समिट की मेजबानी की है? तो भारत। किस देश ने वॉइस ऑफ
ग्लोब समिट की मेजबानी की है तो भारत। अगला क्वेश्चन 88 क्वेश्चन, किस राज्य ने अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगार युवाओं को मासिक भत्ता देने की घोषणा किया। जिस तरह से सब अपना अपना राज्य युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता निकालता है, जिस तरह से बिहार में भी था और अब छत्तीसगढ़ में भी, किस राज्य ने अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगार युवाओं के लिए मासिक भत्ता देगा था, छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य सरकार, कौन सा राज्य सरकार, छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के शासित प्रदेश में झांकी ने गणतंत्र दिवस 2023, देखिए ये भी क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार 2023 में किसे मिला है गणतंत्र दिवस के परेड के अवसर पर, उत्तराखंड को। आगे बोलेगा वर्ष 2022 का सर्वश्रेष्ठ प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पुरस्कार आरवी प्रसाद को, कौन प्रसाद को, आरवी प्रसाद का वैज्ञानिक पुरस्कार 2022 का सर्वश्रेष्ठ प्रतिष्ठित पुरस्कार किसे दिया है, आरवी प्रसाद को। अगला क्वेश्चन 91 नंबर, भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव सारंग 2023, कौन महोत्सव, सारंग 2023 कहाँ, कौन किसके द्वारा शुरू किया गया, आईआईटी मद्रास द्वारा। अगला क्वेश्चन, प्रज्वला चैलेंज निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, प्रज्वला चैलेंज ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। कमेंट सेक्शन में बताइए ग्रामीण विकास मंत्रालय मंत्री किनके पास पदभार है। आगे पराक्रम दिवस के अवसर पर अंडमान और निकोबार के कितने द्वीपों पर, कितने द्वीपों को परमवीर चक्र पुरस्कार विजेता से नामित किया गया है, तो 21 को, कितने को नामित किया गया है, 21 को। कमेंट सेक्शन में बताइएगा जनवरी के अनुसार 2023 में कितने व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा बाल पुरस्कार दिया गया है। जिस तरह से ही परमवीर चक्र में कितना द्वीप को नामित किया गया है, 21 द्वीप को, उसी तरह से उस पुरस्कार भी था। अगला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के नए उपप्रमुख, वीवीआई क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के नए उपप्रमुख किसे बनाया गया, अमरप्रीत सिंह। जिस तरह से आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर रिवीजन किए होंगे तो, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, जो कि इसी 100 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन उसका भी वो भी है। महिलाओं के रोजगार के लिए शीर्ष भारतीय शहर कौन बन गया, चेन्नई। लीजिए अब महिलाओं के रोजगार के लिए भारतीय शहर कौन बन गया है, चेन्नई। अगला क्वेश्चन, पंजाब में राष्ट्रीय जीनोम संपादन और प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। क्वेश्चन फिर से रिपीट, पंजाब में राष्ट्रीय जीनोम संपादन एवं प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। वार्षिक ऑरेंज महोत्सव, देखिए ऑरेंज महोत्सव तीसरा संस्करण कहाँ किया गया, नागालैंड में। ऑरेंज महोत्सव 2023 का तीसरा संस्करण कहाँ किया गया, नागालैंड में। अगला क्वेश्चन 98 नंबर, आईसीसी पुरस्कार 2022 में पुरुषों का T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर किसे दिया गया 2022 में, किसे दिया गया, सूर्य कुमार यादव, जो कि इस बार VIPL में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं सूर्य कुमार यादव, ये VIPL क्वेश्चन है। अगला, विश्व स्तर पर तीसरे सबसे ऑटो बाजार कौन सा देश बन गया, तो कौन बन गया ऑटो में, ऐसे भी भारत। उद्यमों की परियोजनाओं का वर्ष MSMI पर राष्ट्रीय सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ अभ्यास मॉडल के रूप में मान्यता प्राप्त है, यह परियोजना किस राज्य में है, तो कहाँ है, केरल में। कौन से राज्य में, केरल में। अगला, चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए WEF केंद्र की मेजबानी किस शहर को चुना जाएगा, तो हैदराबाद। उद्योग क्रांति को लेकर कौन से राज्य को चुना जाएगा, हैदराबाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चौथी उद्योग क्रांति के लिए WEF केंद्र की मेजबानी किस शहर को चुना गया, तो हैदराबाद। ये था हमारा जनवरी 2023 करेंट अफेयर्स का 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर किन्हीं को बुक से पढ़ने में टाइम लग रहा है, अगर चाह रहे हैं कि जनवरी 2023 का मोस्ट 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमको क्यों रिवीजन करना है, तो ये सेशन देख लीजिएगा, वही बहुत काफ़ी है। जय हिंद। अगला फरवरी का जल्द ही वीडियो अपलोड होगा। थैंक यू।